ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ सत श्री अकाल दोस्तों मैं थोड़ा अपना हरमन भुल्लर ते लै के आया जी आज थोड़े वास्ते एक नवा व्लॉग ते दोस्तों तुसीं सोच रहे होगे कि मैं एड्डी सवक्ते सवक्ते कित्थे सड़कां ते तुरिया फिरने वा ते आपां जा रहे हां जी श्री आनंदपुर साहिब यात्रा जिवें कि तुहानूं पता होना चल रही आ होले महल्ले दी ते मुंडियां ने तैयारी खिंची फिरदे आ ते बस रवाना होण लगे हां सवेर दे वज चुके आ जी 6 ते आपां इत्थों चलदे हां ते नाले रस्ते दे विच जो माहौल चला जाऊगा तां नाल नाल मैं विखाई जाऊंगा ते तुसीं ब्लॉग के नाल जुड़े रहो तो नाल चैनल नूं कर लिओ सबसक्राइब तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते तो चलो चलते हैं। लो भी मित्रों यात्रा करते करते ही पहुँच चुके हैं जी मैते चौंक दे विच ते इत्थे रुक के आपां झंडे लवाउण लगे मोटरसाइकिल ते फाइनली अपनी सलाह बन गई ही ते आपां हुण जा रहे हैं जी मोटरसाइकलों ते ते वेखो पहले आपां सोचा वा कि मणिकरण साहब जावांगे उस तों बाद अगले दिन आपां आनंदपुर साहब जाना वा होर भी जे कोई गुरुद्वारे गए तां मैं ब्लॉग विच जरूर दर्शन करवाऊँगा। लो भी आ अपने यूट्यूब का लोगो तो नाल लगन दिया अपना झंडा तो नीला तो केसरी मिक्स करके जोड़ा झंडा आप लाने लगे हाँ तो त्यार पर त्यार मुंडे मोटरसाइकिल एक आह मोटरसाइकिल आ एक अपना आह मोटरसाइकिल आ अपने वाला मोटरसाइकिल मेरे वाला तो बाकी आ बैग बूग अपने नाल पे हैं तैयारियां पूरी ने झंडे लग चुके ने मोटरसाइकिल के मित्रों देखो चेक करो मैग ना माहौल चल वो हाल दुआल है ध्यान ना वे तू मैग ना स्पलेंडर जाता फिर बड़ी गलत शौक का मैं कहना स्पलेंडर ने हाथ करा दी अज ते हाल दुआल होली आ जाओ खड्डे ही बड़े यार एक आ वाले रोड से घट्टा ही बड़ा एक मित्रों अं पहुँच गए जी हरगोबिंदपुर तो हुण कर लगे हाँ जी गुरद्वारा साहब के दर्शन के नाल धन भी करवाने तो पढ़ते हैं गुरद्वारे का नाम दमदमा साहब लिखा है तो दमदमा साहब गुरद्वारा साहब जी का नाम आ चलो तुहानूं नाल दर्शन करवाने नाल आ भी दर्शन करते हैं। ये गुरद्वारा साहब है जी दमदमा साहब तो हरगोबिंदपुर पिंड दे मेन रोड दे उत्ते ही आ ते बाकी चलदे आ अंदर दर्शन करदे ते नाल तुहानूं भी करवाउंदे आ ते मैं पहलां ही दसदा क्लीयर करदा कि मैं हुण कल्ले कल्ले गुरुद्वारे दा इतिहास नहीं दस पावांगा क्योंकि मैं यात्रा कर रहा वां पर फिर भी जिन्ना क हो सके मैं जरूर दसूंगा। जिस तरह कि दोस्तों मैं कह रहा सी कि इतिहास मैं ज़्यादा बयान नहीं कर पावांगा क्योंकि यात्रा कर रहे हैं ना यात्रा दे विच इन्ना इतिहास मैं बयान नहीं कर सकता ते पर मैं तुहानूं गुरुद्वारे साहब के दर्शन जरूर करवावांगा जिथे जिथे आप जावांगे। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਤੇ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਹਿ ਕੇ ਦਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। मित्रों पहाड़ी इलाका आ चुका है ते यार हुणी पहाड़ी इलाके च ला रहे ने स्पलेंडर मोटरसाइकिल ते पूरा नज़ारा आ रहा। मैं कहना नज़ारा आई जा रहा है, नज़ारा जाई जा रहा है, आसे पासे पहाड़ आई जा रहे ते मैं कहना पहाड़ ही पहाड़ ते नज़ारे नज़ारे। मणिकरण साहब नूं जांदियां होईयां संगतां ते बांदर ते बंदे इक ट्रक आ गया वा इधरले पासे नज़ारे चेक करो तुसीं बांदर इत्थे काफी ने। बाकी चलो जे कोई रस्ते च वधिया वधिया इदां दे व्यू आउणगे मैं तुहानूं नाल नाल विखाऊंगा। तुसीं व्लॉग नाल जुड़े रहो ते चैनल नूं कर लो सबसक्राइब। तो हवा बहुत चल रही थी जिस करके मैं बैक साइड पर बोलना पै रहा है तो मैं नाले पिछे बह के वीडियो बना लग पाया कि सोहने सोहने जो व्यू आने पहाड़ियाँ के तो नाल नाल तुहानूं विखाई जाइए तो क्योंकि ये सारा रस्ते वाला व्लॉग सी ते जिहड़े रस्ते पसंद करते हैं वो ये व्लॉग जरूर वेखण। बोर्ड बड़े खतरनाक ने ते पर व्यू भी इन्ना बोर्डां दी जगह ते बस जी हुण आपां इस तों बाद मैं स्पीड कीती होई आ तेज़ क्योंकि तुहानूं वी वेखण विच बोरिंग ना लगे व्लॉग ते नालों नाल आपां मोटरसाइकल दूजे वीर नूं फड़ाता सी तो मैं बैक ते बह के जिहड़ी वीडियो तुहानूं थोड़ी थोड़ी दिखाउण दी कोशिश कर रहा जी ते साइड ते जो भी व्यू आ रहे ने नाल नाल मैं तुहानूं विखाउण दी कोशिश कर रहा। मैनूं बैक ते बोलना पै रहा क्योंकि पिछे ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ सी वॉइस आपणा जिहड़ी हवा दे करके ना ते बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही सी इस करके मैं सोचा कि चलो बैक ते बोलना जिहड़ा वो बैटर रहेगा। तो बहुत जिस तरह तुसीं देख रहे हो पहाड़ियों के विच अपना पहला एक्सपीरियंस सी मणिकरण साहब का तो बहुत ही वधिया रहा मेरा एक्सपीरियंस तो उदा तो मैं वैसे पहला भी इन्ना ट्रैवल किया हुआ वा इस तो वध कितने गुणा ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ वा। मैं श्रीनगर गया सी मैं बाइक लैके वह भी कल्ला ये चलो साढ़े ना दो तीन जाने ना तो श्रीनगर तो मैं कल्ला ही गया सी ये तो चलो ये एक वक्रा एक्सपीरियंस ही वक्रा रोड से चलो बहुत वधिया लग्या। मैं तो इदा के व्लॉग लैके आऊँगा तो जिन्होंने इदा के व्लॉग पसंद आ वो ही मेरा चैनल सबसक्राइब कर बाकी भावें ना कर मैं कोई परवाह नहीं तो बाकी कोई चक्कर नहीं आ जोड़े लोग पसंद करते हैं वो वधिया जोड़े ना करते कोई गल नहीं भावें अनसबसक्राइब करके तीन जिते मर्जी जाओ मैं कोई चक्कर नहीं आ। आप तो इदा के रस्त के व्लॉग लैके आने इदा रस्ते ही विखाने बाकी जे कहते तू रस्ते बड़े विखा भरा जी आते रह अपनी जवानियां मनन बाकी मैं रस्ते विखाऊंगा तो रस्ते ही विखाने तो बाकी कोई चक्कर नहीं आ। तो मणिकरण साहब जा रहे हैं बस नज़ारे लै रहे हैं जिंदगी दे यो जिंदगी दे नज़ारे आ तो बस लैने चाहिए आ। तो बाकी गुरु घर जाओ मत्था टेको पर शरारत ना करो इदा अपना इंजॉयमेंट करते जाओ बस जाके दर्शन मेले कर जाओ एवं बेफालतू ना कि एवं किसी तंग ना करो तो बाकी नज़ारे लो जिंदगी दे। मौज बढ़ा रहे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਕਦੇ ਮੋਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਆ आसे पासे पहाड़ी पहाड़ कोई वकड़ी वाई जानवर निकल आवे कोई बंदा किधर भजे चलो वाहिगुरु वाहिगुरु करते जाने अलग अलग पहाड़ी बोलना पै रहा है पर चलो आप नैक्सट टाइम कोशिश करा कि माइक ना लैके जाइए क्योंकि ऐसे जगह से ना माइक जरूरी हों आवाज जी बहुत जी हवा की आवाज बहुत होंगी और करके जो फिर मुश्किल आती है पर फिर भी चलो मैं जिन्ना को लाने कोशिश कर रहा मतलब तू कोई बड़ी चीज जिदा मतलब साइड के व्यू होंगे पहाड़ों के है ना यह चीज़ आप देखने जाने जिदा ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ सामने चेक कर सकते हो सुरा गल बात मैं कहना एंड हो पई आ पूरी ऐ लगे तो कि बहरले देश आ गए ने थले घर वेख रहे हो छोटे छोटे जे आ वाले आ छोटे छोटे घर आ सामने ओ पानी तो हुण जी पहाड़ों के गुजरते हुए कुछ शहरों के लंघ रहे हैं तो आ देखो जिस तरह पहाड़ी इलाके रुके जी रिहायशी इलाका जिन्हों आप कह दें बिचों भी आता बाद चो फिर सुन मसोना आँदी आ थोड़ा जा जरा रिहायशी इलाका वा तो इस तो बाद फिर सुन मसोने आप जाके रुकना वा जी मंडी मंडी एक गुरद्वारा साहब आ उरे भी तुहानूं दर्शन करवावांगे राती आपां नूं उत्थे रुकना पिया सी क्योंकि अगे ना माहौल चाल सही नहीं सी इस करके आप उत्थे रुके हाँ तो अगले दिन आप सवेरे मणिकरण साहब पहुँचे हाँ जिमें जिमें अगे वधदे जा रहे सी उवें उवें मेरा जिहड़ा उत्साह है वह होर वधदा जा रहा सी पर अजे रस्ता बड़ा लंबा सी मणिकरण साहब का क्योंकि रस्ते दे विच मंडी गुरद्वारा साहब आना सी उत्थे आपां रात नूं स्टे करना है सानूं पता नहीं सी कि सानूं जिहड़ा उह स्टे जिहड़ा करना पवेगा पर करना पिया कुछ क हालातां करके चलो जिस तरह भी आ बाजार मंडी के बाजार के नौ भी गुरद्वारा साहब आ गया जी मंडी का इतिहासिक गुरद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी तो हुण चलते हैं जी मंडी के गुरद्वारा साहब
गुरु गोबिंद सिंह महाराज का गुरुद्वारा साहब है, ये अंदर चलते हैं नाल तुहानू दर्शन करवाने आ। तो पहला धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के तुसीं दर्शन करो जी, तो बहुत ही सोहना सरूप जिहड़ा कि सामने तुसीं दर्शन कर रहे हो। तो इस तों बाद तुहानू जिहड़ियां महाराज साहब की बंदूक तो एक पलंग साहब उहदे वी तुहानू दर्शन करावांगा। पहला तुसीं प्रकाश के दर्शन करो, तो बहुत ही सोहना प्रकाश किया होया है जी। तो ये जिहड़ी तुसीं देख रहे हो सामने, ये एक साहब की उस साहब की रबाब है उस टाइम की गुरु साहब की। इस तों बाद तुहानू गुरु साहब का पलंग आ, गुरु साहब का पलंग है जिथे वो सौंदे होणगे बैठते होणगे किसी टाइम पर। तो इस तों बाद गुरु साहब की एक बंदूक भी आ सामने पासे पई हुई आ, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बंदूक आ, तो नाल ही इन्हां दा सरूप छोटा जा। ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਬੜੀ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਲੋਗ 'ਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਲਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੀਜ਼ਰ ਥਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੇ ਥਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੈਪ ਥਣੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਣੀਕਰਨ ਵੇਖਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਣੀਕਰਨ ਹੀ ਵੇਖਣ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।